हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। दोस्तों आज हम लगभग सभी टूल्स कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा पांचवा दिन है दोस्तों, सीखते सीखते टूल्स के बारे में लगभग आज हमारे टूल्स समाप्त हो जाएंगे। आओ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टूल जो है वो बताता जा रहा हूँ, ताकि आप इसको देखने के बाद घर में प्रैक्टिस कर सकें और आसानी से सीख सकें। दोस्तों जो हमारे टूल्स थे वो ड्रॉप शैडो पिछली वीडियो में हो गया था, आप देख लेना, कॉन्टर हो गया था, ब्लेंड हो गया था, डिसोर्ट हो गया था। दोस्तों आज मैं एनवलप के बारे में जो हमारा टूल्स है उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों एनवलप टूल जो है हमारा वो टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करता है मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये मैंने लिया राकेश दक्ष मैंने लिया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें किसी ने बोला है कि कोई चीज़ हमें राउंड अप में करनी है, तो आप राउंड अप करने के लिए सिंपल आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके जो बीच वाला ये एरिया है आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट के साथ इसको प्रेस करके दबा दें। उसके बाद आप इसको जैसे भी मर्जी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा मन इसको डिज़ाइन देने का है आप उसको ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम आ सकती है। आप किसी भी लोगों की डिज़ाइनिंग अगर करते हैं या आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप वो सभी चीज़ें इससे आप किसी भी प्रकार से बैंड कर सकते हैं। ये हम किसी भी शेप में इसको ले जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमारा एनवलप वाला हुआ है एक्सट्रूड। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई हुई है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूँगा एक्सट्रूड का काम। दोस्तों 3D जो चीज़ें बनाई जाती हैं, 3D जो काम होता है जिसमें हम 3D लोगो बनाते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको एक जल्दी से इसको 3D का काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सर्कल लिया, इसके अंदर मैं एक और सर्कल लेता हूँ। मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन को ट्रिम को क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इसको डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कलर फिल कर दूँगा। कलर फिल करने के बाद मैं ये वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है ये वाला ऑप्शन मैं इसको लूँगा और इसको 3D शेप में अब मैं कि कैसी आता है आप बिल्कुल आसानी से इसके जो और बहुत सारे टूल्स हैं मैं यहाँ क्लिक किया। ये हमारा लगभग 3D वाला जो कंसेप्ट है ये पूरा हो चुका है। दोस्तों ऐसे हम इसके अंदर 3D जो काम करते हैं वो हम इसके अंदर 3D बना सकते हैं, 3D लोगो बना सकते हैं या कोई भी चीज़ हम इसके अंदर 3D ये देखिए आप इसे जितना करते चले जाएंगे 3D आपका होता चले जाएगा। ये हमारा एक्सट्रूड का काम हुआ। पूरी फुल डिटेल अगर आपको 3D लोगो सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस चीज़ को सीख सकते हैं। ये आज टूल्स के बारे में बात करी थी, ये लगभग हमारा सारा टूल्स का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल आपको करना बताऊँगा कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर आपको एक साइड से मैंने कलर लिया है, फोटो पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरल की कोई भी चीज़ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ट्रांसपेरेंसी टूल्स लिया, लेने के बाद अगर मैं सिंपली इसको माउस के साथ ड्रैग करूँगा तो इधर से वाइट होगा। इधर अगर दूसरा कलर आप करना चाहते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। इधर आप नीला करना चाहते हैं या वाइट करना चाहते हैं, आप जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद और ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये लिया और इसके अंदर अगर मैं एक और बॉक्स आपको दिखाता हूँ, अगर ये लिया और मैं इसको 100% पूरे के पूरे को अगर मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद ये हमारा यहाँ से कम ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हो या यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारा इसका ट्रांसपेरेंसी टूल्स का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों उसके बाद ये हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल समाप्त होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कलर एनवलप। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मान कर चलिए आपके पास ये वाला कलर आपको सेम इसके अंदर करना है और आपको इस कलर के टाइम CMY के नहीं बताया था। दोस्तों सिंपली आप मैं इसको कोई और कलर कर देता हूँ। अगर मेरे को ये वाला कलर ग्रे वाला कलर अगर रेड के अंदर करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक लेने के बाद ये हमारे इसके अंदर फिल हो गया। आप इस पर जाकर सिंपली क्लिक कर दे तो आपका ये कलर इसके अंदर सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला टूल्स आता है वो एट्रीब्यूट एंड, ये भी दोस्तों वही काम करेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। हम इसका इस्तेमाल अभी ये देख लो, ये भी सेम वही हमारा काम करेगा। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव फील।
इंडक्टिव फील भी मैं पिछले कई वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, तो मैं आपको फिर भी इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। इंडक्टिव फील कैसे काम करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने कोई भी अगर इसके अंदर बॉक्स के अंदर 3 से 4 कलर करने हैं तो आप इंडक्टिव फील को क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करें और इधर अगर आपने वाइट है या ब्लू लेना है तो आप इस पर ब्लू कर दें। बीच में आपको एक दो कलर और करना है आप ये कर सकते हैं। इधर आपने कोई और कलर क्लिक डबल क्लिक इसको करें तो इधर आप ये कलर कर सकते हैं। बीच में आप फिर डबल क्लिक किया मैं इधर ब्लैक करूँगा उसको। एक तो हमारा इंटरेक्टिव फील का ये, दूसरी बात अगर आपको इसी जो मैंने सर्कल बनाया है इसके अंदर अगर आपको यही कलर सेम इसके अंदर चाहिए तो हो सकता है कि कई बार आप ये चीज़ ना कर पाएँ। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इंटरेक्टिव फील को क्लिक करें और इसके आप इस वाले को सर्कल जो खाली है जिसमें हमें कलर फील करना है उसको आप सेलेक्ट करें, इंटरेक्टिव फील को क्लिक करें। उसके बाद ये वाला जो टूल्स है कॉपी फील का आप इसको क्लिक करें और सिंपल इसके ऐप पर ला कर छोड़ दें। आपका ये जो सेम कलर है इसके अंदर फिल हो जाएगा। ये हमारे इंटरेक्टिव फील का जो काम है वो पूरा हुआ। उसके बाद दोस्तों ये है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल का काम होता है आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो कवर है और उसके अंदर आप अलग कलर करना चाहते हैं, मैं इसके अंदर रेड लेता हूँ, इसके अंदर येलो लेता हूँ। और आपको यदि आपको क्या करना है कि आपका जो ये वाला एरिया है आपको इसके अंदर अलग कलर करना है तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है, आप इंटरेक्टिव फील को क्लिक करें, इसके अंदर क्लिक कर दें, आपका अलग कलर एक अलग बॉक्स बन जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी कलर कर सकते हैं और इसमें आप अलग कलर कर सकते हैं। तो ये आपका एक अलग इंटरेक्टिव फील का जो हमारा स्मार्ट फील टूल का काम है ये हुआ। दोस्तों हमारे सभी टूल्स आज कम्प्लीट हो गई। आज के बाद दोस्तों मैं कल से जो आपको बताऊंगा वो सिंगल कलर की मैं डिज़ाइनिंग कल से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बिल बुक लेटर हेड वगैरह ये सब चीज़। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के क्लिक को बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।